इस कैसेट प्लेयर को आपने कभी न कभी अपनी लाइफ में ज़रूर देखा होगा। नहीं देखा है तो आज देख लीजिए। आज हम इसे रिपेयर करने वाले हैं और मॉडिफाई करने वाले हैं, यानी कि अब तो कैसेट का ज़माना है नहीं, बट यहाँ पर ब्लूटूथ वगैरह लगा के इसे हम यूज में लेके आ सकते हैं। और इनकी एक ख़ास बात है, ये 6 वोल्ट की बैटरी से ऑपरेट होते थे। अब यहाँ पर आजकल 6 वोल्ट की बैटरी मिलना पॉसिबल नहीं है, बट इसमें हम जुगाड़ा करके इसे हम कैसे भी करके चलाने वाले हैं। जैसे कि आपने आजकल देखा होगा कि हर किसी टॉर्च में एलईडी वगैरह की स्ट्रिप लगी रहती है, बट इसमें एलईडी वगैरह का नहीं सिस्टम होता था, इसमें ट्यूबलाइट का ही एक छोटा सा रूप, छोटी सी ट्यूबलाइट लगती थी जो कि 6 वोल्ट से ऑपरेट होती है। दो ट्यूबलाइट और बीच में एक टॉर्च की तरह यहाँ पर, मतलब जो बल्ब टॉर्च का आप किसी ज़माने में पहले देखा करते, वही वाला इसमें लगा हुआ है। मतलब कोई भी इसमें एलईडी लाइट्स का प्रयोग नहीं हुआ है। अब ये जो है चाइना ब्रांड की होती थी किसी ज़माने में, जो इंडिया में माल सप्लाई करता था, ये उसी ही ब्रांड का ही है। अब इसमें कंपनी क्या थी, इसमें कंपनी पता नहीं भैया कि ये इसकी कंपनी क्या है, बट इसे आज हम रिपेयर करने वाले हैं और इसमें ब्लूटूथ को फिट करने वाले हैं। अब यहाँ पर पता नहीं ये चलता है कि नहीं कैसेट प्लेयर, ये सब हम टेस्ट करेंगे। अब आपको सबसे पहले मैं यहाँ पर देखिए इसमें बैटरी दिखा देता हूँ, बैटरी कौन सी यूज होती है। देखिए संका कंपनी की इसमें बैटरी यूज करी जाती है, और पिछली बार एक और इमरजेंसी मेरे पास रिपेयर के लिए आई थी। हाँ, इमरजेंसी भी कहते हैं, ठीक है से। तो पिछली बार मेरे पास इमरजेंसी रिपेयर के लिए आई थी, तो मैंने बैटरी का पता किया, तो संका कंपनी की अब बैटरी जो 6 वोल्ट की होती है मिलती नहीं है। हाँ, 6 वोल्ट की मिल जाते, बस इस साइज़ की नहीं होती हैं। अगर आपके पास ऐसा ही कोई पड़ा है, रिपेयर करना चाहते हैं, बैटरी नहीं है, तो उसमें क्या जुगाड़ा करना होगा ये वीडियो में आपको बता दूंगा। सबसे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर लेना, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कीजिएगा, तब जाके आपको हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन हमेशा मिलते रहेगा। तो सो यहाँ पर ये ऑलरेडी खुला हुआ था, बस यहाँ पर जिनका ये सिस्टम है उन्होंने कोशिश करी होगी क्या छेड़छाड़ करने की, बट यहाँ पर इसे हम खोलेंगे। चलिए, यहाँ पर ये टॉर्च का सिस्टम है, इसको अलग कर लेते हैं, और ये देखिएगा यहाँ पर वायरिंग वायरिंग टूटी टूटी है पूरी। चलिए हम अपने तरीके से बताएंगे कि इसमें वायरिंग कैसे करी जाती है। अब यहाँ पर इसे हमने बैटरी से चलाना नहीं है, लाइट से चलाना है। तो सबसे पहले हमें करना क्या होगा, ये बैटरी के सिस्टम से दो वायर प्लस और माइनस की हमने निकाल के अलग कर लेनी होगी। तो यहाँ पर प्लस वाली वायर को मैं निकाल लेता हूँ और माइनस की भी वायर को निकाल के अलग कर लेता हूँ, और इस सिस्टम को मैं थोड़ी देर के लिए साइड रख लेता हूँ। इसमें स्पीकर के वायर वगैरह भी टूटे हुए हैं, चलिए वो मैं ट्रेस करके मैं देख लूँगा, इसको रखते हैं अभी साइड पे। अब यहाँ पर देखिए ये कैसेट प्लेयर का सिस्टम है, देखिए यहाँ पर देखिए ये जो आपका सिस्टम है यानी कि मशीन है, ये कैसेट को मैनेज करती है, और यहाँ पर एक मोटर लगी हुई है जो घूमती है और कैसेट को घुमाती है, और यहाँ पर ये सिस्टम पूरा यहाँ पर लगा हुआ है। और एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, इसमें दो PCB इस्तेमाल हुई है, ये सबसे ऊपर वाली जो PCB है वो आपकी कैसेट रेडियो और आपका जो भी म्यूजिक सिस्टम है इस PCB से कंट्रोल होता है, ठीक है। इसके नीचे भी एक PCB है, यहाँ पर ये वाली PCB, ये ऊपर वाली अलग है और नीचे वाली अलग है। नीचे वाली जो PCB है वो आपका लाइट को और ट्यूबलाइट को मैनेज करती है। अब यहाँ पर जो हमने तार दो निकाले भी हैं, जो बैटरी के जो बक्से से यानी कि बैटरी के जो यहाँ पर सिस्टम रहेगा, यहाँ से जो तार निकाली हुई हमने प्लस माइनस की, वहाँ पर हमने क्या करना है, 6 वोल्ट समथिंग यहाँ पर इनपुट कराना है, क्योंकि ये जो सिस्टम है 6 वोल्ट की बैटरी से चलता है। वैसे मेरे पास यहाँ पर 6 वोल्ट कुछ ऐसा नहीं है नहीं, बट यहाँ पर 5 वोल्ट के समथिंग के लिए मैं एक चार्जर का यूज़ करूँगा जो 5 वोल्ट का है, और यहाँ पर एम्पियर थोड़ा सा ज़्यादा है, उसमें 2.5 एम्पियर का चार्जर है, फिर देखेंगे कि ये चलता है या फिर नहीं। यहाँ पर देखिए एक चार्जर है मेरे पास, अब इसका प्लस और माइनस, इसके प्लस माइनस से हम जोड़ लेते हैं। तो यहाँ पर ये है प्लस का और ये है माइनस का, तो इसे जोड़ने के बाद हम लोग चलाएंगे। और यहाँ पर मेरे को एक चीज़ देखने को मिल रहा है, वो भी मैं आपको अच्छी तरीके से दिखा देता हूँ। यहाँ पर ये PCB मुझे डैमेज लग रही है, ये देखिए यहाँ पर एक कैपेसिटर टूटा हुआ है, देख सकते हैं यहाँ पर ये कैपेसिटर फटा हुआ है, या फिर टूटा टूटा तो नहीं है, बस फटा हुआ है, फट के ये पूरा इधर उधर बिखरा हुआ है। एक मिनट, यहाँ पर देख सकते हैं कैपेसिटर के अंदर का पूरा मटेरियल यहाँ पर लगा हुआ है, देख सकते हैं आप ये, तो इसका मतलब ये किसी शॉर्टिंग की वजह से ब्लास्ट हुआ होगा। और यहाँ पर फ्यूज भी देखिए, फ्यूज भी उड़ा हुआ है, फ्यूज भी यहाँ पर उड़ा हुआ है। अब यहाँ पर एक बार हम यहाँ पर फ्यूज को लगा लेंगे, एक
दूसरे फ्यूज को लगा लेते हैं, चलिए, और इसको हम चलाएंगे। चलिए मैं चार्जर को ऑन कर लेता हूँ, अब इसमें चला लेता हूँ। उससे पहले यहाँ पर हमने स्पीकर के कनेक्शन करने हैं, तो स्पीकर के भी हम कनेक्शन कर लेते हैं ताकि हमें पता चल सके यहाँ पर ये ऑन हो चुका है। तो यहाँ पर स्पीकर में दोनों वायर को कनेक्ट कर लिया है। अब यहाँ पर पता नहीं वो वायर किस जगह से उखड़े हुए हैं, चलिए उसे हम ट्रेस करते हैं। उससे पहले यहाँ पर इसको मैं हटा के थोड़ा सा इधर उधर कर लेता हूँ और यहाँ पर इसमें रख लेता हूँ, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर इस पीसीबी को हमने खोलना पड़ेगा, उसके बाद ही पता चलेगा भाई हमारा ये स्पीकर के वायर किस जगह से है। एक वायर ये है तो सही, हो सकता है यही हो स्पीकर की, चलिए खोल के ही पता चलेगा। एक स्क्रू ये है और दूसरा ये है, चलिए। तो बहुत ही आसानी से पता चल जाता भाई इसमें क्या क्या ख़राबी है, ठीक है। अगर आपको नहीं आता है तो देख लो, सीख लो। अब यहाँ पर ये जो येलो कलर की वायर है, ये यहाँ पर एंटीना से जुड़ी हुई है, ये हो सकता है एंटीना का हो सकता है। इसको अभी हम अलग कर लेते हैं, बाद में हम जोड़ लेंगे, ठीक है। ये तो स्पीकर का था नहीं, तो जो आपका ये जिसका ऑडियो सेक्शन है वो ये वाला है, ये वाला ऑडियो सेक्शन है, और ये वॉल्यूम कंट्रोल है, और ये आपका ट्यूनर है जो कि आपके रेडियो ऑडियो को ट्यून करता है, ठीक है, चैनल्स को ट्यून करता है, ये वाला है। एंड अगर ये वॉल्यूम का है तो इसी के आसपास में ही कहीं हो सकता है ये दो पॉइंट आपके स्पीकर के हों, यानी कि या तो 1 और 2 या फिर 1 और 2। एक बार हम तरीके से इसको देख लें, तो यहाँ पर इन दोनों, ये तो वॉल्यूम से जुड़े हुए हमारे, तो हो सकता है यहाँ पर 1 और 2 ये दोनों स्पीकर के हो सकते हैं, ठीक है। चलिए हम यहाँ पर स्पीकर को एक बार जोड़ लेते हैं, यानी कि स्पीकर के दोनों वायर्स को यहाँ पर जोड़ लेते हैं, तो तभी पता चल पाएगा कि ये स्पीकर के हैं या फिर नहीं। चलिए मैं इनको सोल्डरिंग मार देता हूँ। तो यहाँ पर इन दोनों पॉइंट्स में मैंने स्पीकर को के वायर को जोड़ लिया है। एक है ग्राउंड से अटैच्ड है हमारा, एक हमारा ग्राउंड से अटैच्ड है, और एक यहाँ पर इधर से, यानी कि इस वाले आपके जो स्पीकर जो हेडफोन वगैरह लगता है ना, एयरफोन हेडफोन लगता है ना, इसके यहाँ पर से अटैच्ड है, यानी कि यही स्पीकर का होना चाहिए 101%, ठीक है। अब यहाँ पर बाकी हमने एक फ्यूज चेंज किया, बाकी स्पीकर के वायर में कनेक्ट कर लिए हैं। अब यहाँ पर ये जो स्विच है हमारा इधर पे लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है इसमें, हाँ, ये कैसेट प्लेयर ऑन और ये AM/FM, यानी कि यहीं से हमारा ये ऑन होता है सिस्टम, ठीक है। तो इसका मतलब यहीं से ऑन ऑफ का पूरा सिस्टम दिया गया है। तो चलिए इसको हम ऑन करके देख लेते हैं, इस चार्जर को थोड़ा सा सेट कर लेते हैं और यहाँ पर देख लेते हैं। और आपको बता दूँ फिर से, मैं ये 5 वोल्ट का चार्जर है, ठीक है, 5 वोल्ट का चार्जर है, इसलिए यहाँ पर इसको 5 वोल्ट ही सप्लाई हमने देनी होगी। एक बार मैं आपको चार्जर को ऑन करवा के चार्जर की वोल्टेज भी चेक करवा देता हूँ। वैसे मैंने ऑन कर लिया और यहाँ पर ये देखिए स्पीकर भी चल पड़ा बिल्कुल परफेक्ट, यहाँ पर देखिए ये चल पड़ा। और आपको चार्जर की वोल्टेज भी मैं एक बार चेक करवा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर इसको मैं 20 वोल्ट DC पर रखता हूँ, और यहाँ पर चार्जर के दोनों पॉइंट्स पर मैं आपको चेक करवा के दिखा देता हूँ। ये देखिए 5.5 वोल्ट है, लगभग 6 वोल्ट के समथिंग है, ये थोड़ा बहुत चलता है, बट ये ऑन हो चुका है। अब मैं आपको यहाँ पर वॉल्यूम को बढ़ा के भी दिखा देता हूँ, वैसे ये चल पड़ा, ये देखिएगा यहाँ पर किस मोड में था अभी, हो सकता है कैसेट मोड में आ गया हो, और यहाँ पर ये FM मोड में। चलिए मैं एक बार ट्यून करके देखता हूँ, एंटीना सेक्शन में हाथ लगाता हूँ, हाँ चैनल आ रहे हैं, थोड़े थोड़े चैनल इसमें आ रहे हैं, और सबसे नीचे वाला हमारा कैसेट प्लेयर का था। तो यहाँ पर हमारी ये मोटर नहीं चल रही है, एक मिनट में बेल्ट उतार के देख लेता हूँ उसकी, हाँ एक मिनट, सॉरी मैंने इसे ऑन नहीं किया है। इसे ऑन करने के लिए यहाँ पर हमें कुछ कैसेट वगैरह लगाना होगा, या फिर इसे वैसे ही ऑन करना पड़ेगा। चलिए इसे एक बार वैसे ही ऑन कर लेता हूँ, कोई भी स्विच इसका दबा देता हूँ। तो यहाँ पर ये ऑन नहीं हुआ, हाँ दोस्तों ये देखिए मोटर में इतना स्पीड नहीं आ रहा, हो सकता है यहाँ पर चार्जर हमारा कम एम्पियर का हो, इस वजह से ये इसके लोड को नहीं उठा पा रहा, या फिर ये बेल्ट वगैरह हो सकता है टाइट हो गई हो, क्योंकि ऐसा होता है दोस्तों काफ़ी टाइम से रखा होता है, ये बेल्ट वगैरह टाइट हो जाती है या ढीली हो जाती है, या यहाँ पर कुछ ऐसा जो है
ये चक्के वगैरह जो रहते हैं वो जाम हो सकते हैं, इस वजह से यहाँ पर ये प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा। और यहाँ पर देखिए एक यहाँ पर प्रीसेट लगा हुआ है, ये मोटर की स्पीड को कंट्रोल करने के लिए होता है, अगर इसे आप तेज़ करेंगे तो मोटर की स्पीड बढ़ जाती है, बट ये फुल पे है, फुल पे है, फिर भी मोटर यहाँ पर वर्क नहीं कर रही। देखिए एक मिनट ये दिखाता हूँ, ये वर्क नहीं कर पा रही। अभी हम क्या करेंगे, इसे हम मैन्युअली किसी और सेल वगैरह एक्सटर्नल सेल वगैरह लगा के इसे चेक करेंगे अभी, क्योंकि यहाँ पर ये चार्जर इसको उठा नहीं पा रहा बिल्कुल भी इसके लोड को। अभी हमने और भी क्या चेक करना है, हाँ हमने ब्लूटूथ इसमें कैसे लगाना है ये हमने सबसे पहले चेक करना होगा। वैसे मैं इसे पहले इसके कैसेट प्लेयर को ज़रूर चेक करके देखना चाहूँगा कि ये वर्क कर रहा है कि नहीं। वैसे इसका कैसेट प्लेयर का अब काम नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जिन बंदे का उनके पास कैसेट वैसेट कुछ नहीं है, उन्होंने इसी लिए बोला भाई ब्लूटूथ लगाना है, बट यहाँ पर आपको चला के मैं दिखाने की पूरी पूरी कोशिश करूँगा। वैसे ये धक्का देके चल रहा है तो इसका मोटर वैसे चल जाना चाहिए, मोटर तो चल रहा है देखिए अच्छी तरीके से, बट इसके लोड को नहीं उठा पा रहा, इसके लोड को वह नहीं उठा पा रहा। इसको हम एक काम करते हैं फिर मैनुअली इसको एक्सटर्नल पावर देके चलाते हैं, लेकिन यहाँ पर पावर देके चलाएंगे तो होगा क्या, होगा क्या मोटर बहुत तेज़ भागने लगी, क्योंकि यहाँ पर ये उसी हिसाब से मोटर भागती है ताकि स्पीड अच्छी तरीके से बनी रहे। ज़्यादा स्पीड आएगी तो फिर कैसेट बहुत तेज़ भागने लगती है। अगर आपने भी किसी कैसेट प्लेयर को कभी चलाया है तो कमेंट करके ज़रूर बताना, उसमें बहुत तगड़ी तगड़ी मोटर की सेटिंग होती थी, आप उसको ज़्यादा भी भगा सकते थे। वैसे यहाँ पर एक मिनट, ये दो वायर मैंने इसमें प्लस माइनस दे दूँगा, यानी कि इस मोटर की वायर है, बाकी इसमें एक हेड होता है, हेड की वायर ये है जो यहाँ पर इस जगह पर जा रही है, और यहाँ पर वॉल्यूम के जो स्विच है उसकी एक पिन में टच करने पर हमिंग मारेगा ज़रूर। ये देखिए आपको सुनाई दे रहा होगा, बट हो सकता है नहीं भी सुनाई दे रहा, बट आप सुनने की कोशिश करेंगे तो आपको सुनाई देगा, सुनने की कोशिश कीजिए। देखिए ये हमिंग मार रहा है, तो AUX जो होता है ना, AUX जो या फिर जो ब्लूटूथ आप एक्सटर्नल देंगे उसकी एक वायर ग्राउंड से अटैच रहेगी और एक वायर आपकी वॉल्यूम स्विच के जिस जहाँ पर हमिंग आ रही है उससे आपका अटैच रहेगी, या फिर इससे आपने इनपुट वाले में कनेक्शन करना है, वो हम बाद में करेंगे। यहाँ पर देखिए मेरे पास काफ़ी सारी कैसेट पड़ी हैं, जिन बंदों ने कैसेट नहीं देखी है तो उन्हें मैं आज कैसेट दिखा देता हूँ कि कैसेट किस तरीके की किस तरीके से वर्क करती है। वैसे आपने देखी भी होगी, नहीं देखी तो लाइक मार देना, ये कैसेट है। वैसे मैं सॉन्ग इसमें जो प्ले करूँगा वो थोड़ा सा चला के फिर म्यूट कर दूँगा, क्योंकि कॉपीराइट का इसमें इश्यू आ सकता है, और इतनी मेहनत के बाद अगर कॉपीराइट आई तो फिर बहुत दिक्कत आ जाती है। ठीक है चलिए मैं इसे चलाता हूँ, इस कैसेट को मैं लगा लेता हूँ सबसे पहले इस जगह पे, यहाँ पर ये देखिए पावर का लाइट इसमें जल रहा है, और यहाँ पर एक कैसेट सिस्टम है, और इसे हम स्टॉप कर लेते हैं और इस तरीके से हम यहाँ पर लगा देते हैं, और प्ले वाला जो बटन है ये है। अब यहाँ पर अभी वर्क नहीं करेगा क्योंकि हमने इसकी मोटर के जो है कनेक्शन हटा के रखे हुए हैं। चलिए इसकी मोटर की जगह पे हम लोग एक काम करेंगे, एक बैटरी को 9 वोल्ट की या फिर 3 वोल्ट की बैटरी को हम लगा लेंगे। यहाँ पर मेरे पास एक सेल है, अब इसमें प्लस और माइनस में जोड़ लेंगे। चलिए थोड़ी देर सॉन्ग प्ले करूँगा उसके बाद मैं म्यूट कर दूँगा इसको। ठीक है देखिए बहुत तेज़ कैसेट भाग रही है, तो इस तरीके से देखिए इस सिस्टम से जब मोटर को वोल्टेज मिलता है तो अगर मोटर तेज़ भागती है तो इससे इसको कंट्रोल किया जाता है। यहाँ पर देखिए इससे इसको कंट्रोल किया जाता है, बट यहाँ पर हमने एक्सटर्नल सेल दिया है तो यहाँ पर कंट्रोल के लिए कोई वो नहीं है। अगर आप इसे ये सिस्टम फिट करना चाहते हैं तो इसको समथिंग कितना वोल्ट मिलना चाहिए, लगभग इसको 2 से 3 वोल्ट मिलना चाहिए इस मोटर को। वैसे अभी स्विच ऑन है तो हम मल्टीमीटर में चेक कर लेते हैं कि इस मोटर को कितना वोल्टेज यहाँ पर मिल रहा है। ठीक है इसको हम DC 20 पे सेट कर लेते हैं, और यहाँ से हम मोटर के जो कनेक्शन हमने काटे हैं यहाँ पर देखते हैं कितना वोल्टेज आ रहा है। तो देखिए कितना वोल्टेज आ रहा है, 1.73 वोल्टेज समथिंग मोटर को मिल रहा है, बट यहाँ पर एम्पियर कम है क्योंकि यहाँ पर जो शंका की बैटरी इसमें यूज़ करते हैं उसका एम्पियर होता है 4 एम्पियर। आपको मैं दिखाता हूँ, ये देखिए शंका की बैटरी है, ये आपकी 6 वोल्ट की है और 4.5 एम्पियर की है, बट यहाँ पर ये चार्जर ज़्यादा एम्पियर का नहीं है इसलिए यहाँ पर इसके मोटर का लोड वह नहीं उठा पा रहा। वैसे मैंने आपको बता दिया कि इसके कैसेट प्लेयर को आप चलाना चाहते हो तो फिर आप 5 वोल्ट के साथ एम्पियर बढ़ा के लीजिए, यानी कि 5-6 एम्पियर का आप चार्जर इसमें लगाएंगे तो कैसेट प्लेयर भी चलने लगेगा, बट इसमें हमने ब्लूटूथ लगाना है। अब हमने इसमें ब्लूटूथ कैसे लगाना, चलिए मैं आपको बताया। इस मोटर के वायर अभी हमने जोड़ने नहीं,
जोड़ना चाहे तो जोड़ सकते हैं। यहाँ पर एक ब्लूटूथ चिप है मेरे पास, ये देखिए ये ब्लूटूथ चिप है, ये आपका 5 वोल्ट इनपुट होगा, यहाँ पर 5 वोल्ट आपका इनपुट होगा और ये 3 है लेफ्ट राइट एंड ग्राउंड। अब यहाँ पर 2 चैनल वाली हमारी ये ऐसी है नहीं, ये सिस्टम है नहीं, तो हम ग्राउंड और सिर्फ लेफ्ट का ही यूज़ करेंगे या फिर ग्राउंड के साथ आप राइट का भी यूज कर सकते हैं। ऐसे हम 5 वोल्ट देने के लिए इस चार्जर का इस्तेमाल करेंगे। अब यहाँ पर जो 5 वोल्ट का चार्जर है उसी में हम ब्लूटूथ का प्लस और माइनस जो है कनेक्ट कर लेंगे, यानी कि ये जो वायर आ रही है एक ग्राउंड की है एंड एक 5 वोल्ट की है, एक ग्राउंड को ग्राउंड के साथ एंड 5 वोल्ट को 5 वोल्ट के साथ हमने कनेक्ट कर लेना है ब्लूटूथ में, ठीक है। एंड ये है आपका पॉजिटिव का, तो ब्लूटूथ के कनेक्शन भी आप उसी चार्जर से कर लेंगे। तो इस तरीके से हमने इसके कनेक्शन कर लिए हैं। अब यहाँ पर हमारा सिस्टम पूरा ऑन हो चुका है और यहाँ पर एक काम और बता देता हूँ आपको, ये जो सिग्नल के वायर हैं यानी कि एक ग्राउंड है एक लेफ्ट है, ग्राउंड को आप सबसे पहले ग्राउंड कर दीजिए, यानी कि जो ग्राउंड की पट्टी है आपका ये वाली पट्टी है पूरी, उसको आपने ग्राउंड कर लेना है। तो चलिए फिर सबसे पहले उसी को मैं ग्राउंड मार देता हूँ, ये आपका ग्राउंड का है तो यहाँ पर इसे हम ग्राउंड कर लेते हैं और बचा अब हमारा लेफ्ट का। तो चलिए अब मैं इसे ऑन करता हूँ फिर आपको मैं बताता हूँ। सबसे पहले ब्लूटूथ को मैं कनेक्ट कर लेता हूँ मोबाइल के साथ और ब्लूटूथ हमारा ऑन हो चुका है। अब इसे मोबाइल के साथ कनेक्ट करके आपको मैं सॉन्ग प्ले करके सुना देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने सॉन्ग को प्ले कर दिया, चलिए अब यहाँ पर भी सॉन्ग बजेगा नहीं क्योंकि यहाँ पर हमने लेफ्ट या राइट जो भी इसमें वायर हमने कनेक्ट करनी है वो वॉल्यूम के स्विच के एक पॉइंट से करनी है, वो अभी करी नहीं है। चलिए मैं आपको कनेक्ट करके दिखा देता हूँ, देखिए इसमें मिनिमम है, इसमें करनी है, ठीक है। एक में आपका अगर वॉल्यूम स्विच के इसमें करते हैं तो वॉल्यूम आपकी घटेगी नहीं स्विच से, अगर इसमें करते हैं तो वॉल्यूम आप मैनुअली घटा भी सकते हैं, ठीक है। चलिए इसको कनेक्ट कर लेता हूँ, अब चलिए वॉल्यूम बढ़ा के आपको दिखा देता हूँ। देखिए सबसे पहले मैं ब्लूटूथ मोबाइल से ब्लूटूथ का साउंड पूरा फुल कर लेता हूँ, तो यहाँ पर ये पूरा कंट्रोल हो रहा है, देखिए तेज साउंड करूँगा तो वॉल्यूम इसमें फटने लग रहा है, यानी कि इसमें सॉन्ग की आवाज़ फटने लग रही, क्योंकि यहाँ पर ये कोई डीजे स्पीकर है नहीं, बस आपका काम चलाने के लिए ये ऑडियो प्लेयर बन सकता है। आपको मैं एक बार और साउंड सुना देता हूँ उसका, आपने इसका सॉन्ग यानी कि इसका साउंड सुन लिया होगा। अब यहाँ पर आपको एक चीज़ मैं बता देता हूँ, यहाँ पर ऑन ऑफ करने के लिए यहाँ पर जो एक स्विच लगा के रखा हुआ, देखिए आपने ब्लूटूथ को ऑन करने के लिए यहाँ पर टेप रिकॉर्डर में किसी भी अपने एक बटन को प्रेस करना होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर ये दो जो वायर हैं यहाँ पर एक स्विच है, अगर उस बटन को प्रेस करते तो ये स्विच प्रेस हो जाता है और आपका तब जाके ब्लूटूथ यहाँ पर साउंड देने लगता है। आपको मैं एक बार साउंड चला के दिखाता हूँ, स्विच को एक बार मैं इसको हटा देता हूँ, ठीक है। देखिए अब यहाँ पर ब्लूटूथ आपका वर्क नहीं करेगा, मैं सॉन्ग को प्ले करता हूँ, पहले सॉन्ग प्ले हो रहा है बट यहाँ पर कुछ भी नहीं सुनाई दे रहा क्योंकि यहाँ पर ये स्विच अभी तक दबाने का, स्विच दबाऊंगा तब जाके यहाँ पर सॉन्ग प्ले होगा। देखिए देखिए ये देखिएगा, एक मिनट, चलिए अब देखिए अगर मैं स्विच को छोड़ देता हूँ तो ब्लूटूथ यहाँ पर साउंड नहीं देगा। बाकी आप रेडियो वगैरह सुनने के लिए इस स्विच को प्रेस करके ऊपर स्लाइड करके रेडियो सुन सकते हैं। तो इस तरीके से हमारा सिस्टम बनके तैयार हो चुका है। अब यहाँ पर मैं इसे पैक कर लेता हूँ और दोस्तों अगर आपको यहाँ पर टेप रिकॉर्डर का यहाँ पर ये वाला सिस्टम भी चाहिए तो उसमें आप वायर जोड़ लीजिएगा और इस ब्लूटूथ को ऑन ऑफ करने के लिए एक स्विच आप लगा लीजिए अलग से। बाकी सब मैंने आपको अच्छी तरीके से बता दिया कि कनेक्शन कैसे करे जाते हैं। यहाँ पर मैं इसको फिट कर लूँगा बाद में और इसमें कुछ और मॉडिफिकेशन मैंने अभी करने हैं, हो सकता है उसका भी वीडियो आपको मैं दे दूं। बट यहाँ पर एक चीज़ लास्ट में एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पर जो आप चार्जर इस्तेमाल कर रहे हैं यहाँ पर एम्पियर थोड़ा सा बढ़ा लीजिए अगर आपको टेप रिकॉर्डर भी सुनना है तो, वरना यहाँ पर ये 9 वोल्ट की बैटरी से भी ऑपरेट हो जाता है। बस इसको आपने 5 वोल्ट किसी भी तरफ 5 वोल्ट से चलाना होगा इस ब्लूटूथ को, वो आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। बाकी वीडियो पसंद आए तो लाइक करके शेयर जरूर करिए। मिलते हैं अगले, तब तक के लिए टेक केयर।